दोस्तों आपने अक्सर डॉक्टर्स को मरीजों के दिल की धड़कनों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तब किस तरीके से वैद्य या फिर डॉक्टर्स किसी की दिल की धड़कनों को सुना करते थे और किसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए। दोस्तों जब स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले डॉक्टर्स मरीज की धड़कनों को सुनने के लिए अपने कान को मरीज के सीने के पास ले जाया करते थे। ऐसे में जब कोई महिला डॉक्टर्स के पास आया करती थी तब डॉक्टर के इस काम से महिला को असहजता महसूस होती थी और ऐसा ही कुछ महसूस करते थे फ्रांस के एक डॉक्टर रेने लेन, जिन्होंने सबसे पहले कागज को रोल करके महिलाओं के दिल की धड़कनों को सुनना शुरू किया और यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है स्टेथोस्कोप को बनाने का। और 1816 में लकड़ी का पहला बना स्टेथोस्कोप रेने लेन ने बनाकर तैयार कर दिया। 1822 के बीच फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये सभी कंट्री के डॉक्टर्स भी इस स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करने लगे थे। ये जो सबसे आधुनिक एडवांस स्टेथोस्कोप आज के समय पर देखते हैं वो दरअसल आयरलैंड के एक डॉक्टर आर्थर लियर ने 1851 में बनाया था।